इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है, जिसके कारण शहर में एक बार फिर 3 महीने बाद 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब शहर में आगे और भी कंटेनमेंट जोन बनने की आशंका है। अनुसार हमने लगभग 5,206 सैंपल टेस्ट किए थे, जिनमें से 568 सैंपल पॉजिटिव आए थे, जो कल के सैंपलिंग का यदि मैं पॉजिटिविटी रेट देखता हूँ तो 10.9% पे जाता है। टोटल जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो 41,090 केस है, जो 8.25% बताता है ओवरऑल जो हमारी पॉजिटिविटी है। लगभग 752 मरीजों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, जो इंदौर जिले का जो फेटेलिटी रेट है 1.83% पे बैठता है। टोटल रिकवरी का जो रेट है वो 87% पे है, और इसमें 35,722 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होकर के घर जा चुके। अब जो पेशेंट्स जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 4,616 पेशेंट्स हैं, इनमें से भी लगभग 67% ऐसे केसेस हैं जो होम आइसोलेशन पे हैं। अभी हमारे पास जो बेड ऑक्यूपेंसी स्टेटस है, हमने दो तीन दिनों में अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में ले आया है शहर में। अब करीब 5,613 बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने की जो कवायद है वो जिला प्रशासन के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार की जा रही है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद अब भी शहर के कई अस्पतालों में बेड खाली है और जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।